Once again, welcome student in the carbon compound. Right, in our previous video we deals with the what homologous series of the alkane or homologous series of the carbon compound है ना. इसके previous video में हमने homologous series क्या होती है उसके बारे में discussion किया था. उसमें हमने अल्किन की होमोलॉगस सीरीज स्टडी की है, अल्कोहल की है, अल्किन की है, और उस पे बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस थे यूज और ब्रेन पावर में वो भी हमने सॉल्व किए हैं, बराबर है. तो नाउ टुडेज टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज पर एज कार्बन कंपाउंड कंसर्न. या कोई भी चीज़ आप देखते हो कि यू नो दैट यू ऑल हैव अ नेम, है ना. आप सभी को अपने अपने खुद के नाम है, बराबर है कि नहीं. तो ये नाम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है सपोज सभी का एक ही नाम होता तो जो नया पर्सन है वो कैसे पहचानता. मतलब टू मेक द डिस्टिंग्विश और टू मेक द पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन. सो नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए नाम बहुत ज़रूरी है ना. तो जैसे हमारे, है ना, आप सभी लोग हो, सभी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ना, बराबर है नहीं. किसी के तो एक ही या दो दो भी है ना, और वो प्रोसेस भी फॉलो करते हैं नामकरण की, आपको पता है ना. ओके तो वैसे ही बेटा ये कार्बन कंपाउंड है, हम कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो इनको भी मतलब नेम्स है ना, इनको भी नाम दिए गए हैं. और यहाँ पे नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, है ना, नेमिंग, इट्स अ नेमिंग. ओके तो दो प्रोसेस है कार्बन कंपाउंड को नाम देने की. तो सबसे पहली जो प्रोसेस है, सबसे पहली जो सिस्टम है वो है बेटा सिस्टम ऑफ कॉमन नेम, है ना. सिस्टम ऑफ कॉमन नेम, कौन सी सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कॉमन नेम और कॉमन नेम सिस्टम, इसको हम कॉमन नेम सिस्टम भी बोल सकते हैं. और दूसरी जो सिस्टम है वो है बेटा, इट इज़ अ IUPAC सिस्टम. कौन सी, IUPAC या IUPAC, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, राइट. नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम. ओके तो दो सिस्टम है कार्बन कंपाउंड को नाम देने की, नॉमेनक्लेचर करने की, वो है बेटा कॉमन नेम सिस्टम और दूसरी है बेटा IUPAC. दूसरी कौन सी है, IUPAC. ओके सबसे पहले हम डील्स करेंगे कॉमन नेम सिस्टम के बारे में. तो क्या होती है कॉमन नेम सिस्टम, मतलब कॉमन नेम सिस्टम में कैसे नाम दिए गए. तो यू नो दैट आपको पता है कि देर आर सो मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर देयर, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स अभी टिल नाउ अवेलेबल, बराबर है. तो एक्चुअली सबसे पहले हम पहले की हिस्ट्री यदि सोचते हैं तो ये जो कार्बन कंपाउंड है उनकी जो संख्या थी वो क्या थी, लिमिटेड थी, बराबर है कि. तो उस वक्त मतलब वो अभी बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म हुए है ना बाय द कार्बन, और कार्बन कंपाउंड के बहुत सारे कंपाउंड रिसेंटली क्या है बेटा अस्तित्व में है, नियर अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड्स, यू नो वेरी वेल. ओके तो शुरू के समय में ये कार्बन कंपाउंड क्या थे बेटा, कम थे, राइट. तो उस वक्त जो साइंटिस्ट थे, उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कार्बन कंपाउंड को नाम देने के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाए हैं, राइट. मतलब नाम देने के लिए, हर एक कार्बन को नाम देने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसके उनके सोर्सेस अलग अलग थे, है ना. मतलब नाम देने के सोर्सेस क्या थे बेटा, डिफरेंट थे. कोई भी सिंगल सोर्स नहीं था कि चलो इसको ऐसा नाम दिया जाता है ना, उसकी प्रॉपर्टी देख के या उसको उसका सोर्स देख के, है ना. मतलब सोर्सेस आर डिफरेंट नेमिंग करने के. जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम चार अल्केन का सोचते हैं, सबसे पहले जो चार अल्केन मेंबर्स है उसमें पहला आता है तुम्हारा मीथेन, नहीं क्या, दूसरा कौन सा है बेटा, इथेन, यू नो वेरी वेल. उसके बाद आता है प्रोपेन, बराबर है, देन ब्यूटेन, राइट. अब ये जो चार मेंबर है अल्केन के, बराबर है, दीज आर द फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ द अल्केन, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. ओके तो इनको ये जो नाम दिए गए हैं, जैसे मीथेन है, राइट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड द ब्यूटेन, दीज आर द कॉमन नेम. तो अब ये जो इनको नाम दिए हैं तो इन सभी के नाम देने के जो सोर्सेस है वो भी डिफरेंट है. मतलब किसी भी एक सोर्स के माध्यम से इनको नाम दिया गया है क्या, नहीं. तो ये नाम देने के लिए ये क्या है बेटा, मतलब
है ना, तो ऐसे जो सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे हम कि कॉमन नेम सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है जिसमें साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के माध्यम से उनको एक सिंपल सा नाम दिया है, उस सिस्टम को बोलते हैं हम कॉमन नेम सिस्टम। एक्चुअली फर्दर कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर थे कॉमन नेम सिस्टम में कि जनरली बाद में कार्बन काउंट करके भी नाम दिए गए हैं, है ना। लेटर ऑन कॉमन नेम सिस्टम ही कैसे इवॉल्व हुई है कि कार्बन नंबर काउंट करके भी उनको क्या दिए गए बेटा, नाम दिए गए। तो ये सभी किस में आता है, कॉमन नेम में, है कि नहीं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, जैसे ब्यूटेन बराबर है चौथा मेंबर है, तो ब्यूटेन का मॉलिकुलर फार्मूला C4H10 है, राइट, बराबर है कि नहीं। अब इसका इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, चलो पहला स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट चेन का बनता है कि दिस इज द स्ट्रेट चेन, हाइड्रोजन स्प्लिट अप करो, ओके राइट। तो ये ब्यूटेन का एक ये स्ट्रक्चर बोलता बनता है। दूसरा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, ऐसे भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है ब्यूटेन का, ओके ये यहाँ पे हाइड्रोजन स्प्लिट अप करो, ओके सो एज टू सेटिस्फाइड द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, मतलब कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो सेटिस्फाई। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। और ये बेटा तुम्हारा ब्रांच चेन, नहीं इसको ब्रांच चेन आप हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट चेन किसे बोलते हैं, ब्रांच चेन किसे बोलते हैं। अब ये जो ब्यूटेन आपको पता है चौथा मेंबर अल्केन का ब्यूटेन, इसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है डिफरेंट, और स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा डिफरेंट है, इस को हमने बोला है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। अब इसको ब्यूटेन नाम दिया गया है लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है कि नहीं, तो इसमें भी फिर ऐसे बोला गया है कि जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहता है सिंपल स्ट्रक्चर रहता है उसको बोला जाता है बेटा नॉर्मल ब्यूटेन, क्या बोला जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, कॉमन नेम में नहीं क्या, मतलब सपोज स्ट्रक्चर यदि डिफरेंट है तो कैसे नाम देने के। और ये स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बेटा आइसोब्यूटेन, इसका नाम क्या है आइसोब्यूटेन, अंडरस्टैंड। इसको क्या नाम दिया गया है नॉर्मल ब्यूटेन, यन से डिनोट किया जाता है आइसोब्यूटेन, है कि नहीं। आपने आइसोसिलस ट्रायंगल स्टडी किया है बराबर ही, मतलब उसकी दो साइड्स क्या रहती है इक्विवेलेंट रहती है ना, मतलब बेस छोड़ के जो नेक्स्ट जो साइड्स है वो बराबर इक्विवेलेंट रहती है। वैसे ही देखो ये यहाँ पे, यहाँ से देखे यहाँ पे सेम इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे और ये यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना उसको क्या बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटेन। ये भी कॉमन नेम है स्पेशली ब्यूटेन के लिए, या जो भी मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या टिपिकल इस टाइप के जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो उसको नॉर्मल, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो उसको आइसोब्यूटेन। एक न्यू नाम का भी प्रकार है भाई बराबर है कि नहीं, न्यू ब्यूटेन या न्यू अल्केन भी हम बोल सकते हैं, मतलब है ना, जैसे पेंटेन का स्ट्रक्चर थर्ड पेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है नहीं क्या, ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा पेंटेन का बराबर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हाइड्रोजन वगैरह देके तो इसको बोला जाता है न्यू पेंटेन, है कि नहीं, मतलब न्यू है ना, नॉर्मल आइसो किसे बोलते हैं नॉर्मल और न्यू पेंटेन इस टाइप के। सो ये हो गया बेटा कॉमन नेम के बारे में बराबर है। बट क्या हुआ लेटर ऑन सो मेनी कंपाउंड्स वेयर डिस्कवर, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड की डिस्कवरी हुई है ना, बिकॉज ऑफ द टेट्रावैलेंसी, बिकॉज ऑफ द कैटेनेशन पावर, है ना, बिकॉज सो मेनी रीजंस आर देयर व्हाई द कार्बन कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, ओके। तो उस वक्त फिर ये मतलब कॉमन नेम सिस्टम है ना वो थोड़ी उसके क्या लिमिटेशन आ गए, उसके लिमिटेशन आ गए कि नाम देने के लिए क्या आ गए लिमिटेशन। तो उसके बाद फिर नाम देने के लिए एक नई सिस्टम अस्तित्व में आई जिसको बोलते हैं हम IUPAC सिस्टम, इन शॉर्ट IUPAC, ओके। तो ये जो IUPAC सिस्टम है ना ये यूनिक सिस्टम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ने इसको क्या किया है बेटा एक्सेप्ट किया है। चलो IUPAC मतलब क्या होता है सबसे पहले इसका ये कर लेते हैं, IUPAC मतलब देखो इंटरनेशनल What? International, Union of what? International, आप देख सकते हो International, right? Union of or for pure and applied chemistry, pure and applied chemistry, okay? तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब IUPAC या IUPAC सिस्टम को, मतलब व्हाट इट मीन दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय द व्हाट
ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे नाम देने की जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम आईपीसी, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसी सिस्टम से जो कंपाउंड से कार्बन कंपाउंड क्या कहे जाएंगे, पहचाने जाएंगे। चलो इंडिया में मिथेनॉल है ना, क्या इथेनॉल है, बराबर है कि प्रोपेनोइक एसिड है, तो ये नाम क्या दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज में वो डिफरेंट आएंगे क्या आईपीसी सिस्टम में? नहीं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया रहो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी आईपीसी सिस्टम द्वारा दिए गए नेम ये क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। अंडरस्टैंड? ओके। तो ये आईपीसी सिस्टम, इसमें जो नॉमेनक्लेचर किया गया है आईपीसी सिस्टम में, एक्चुअली जो नेमिंग प्रोसेस है वो उस वो कैसे दी गई है, मतलब वो हम स्टडी करने वाले कि आईपीसी नेम किसी भी कंपाउंड को आईपीसी नेम कैसे दिए जाते हैं ना। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, मतलब कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर बेस, मतलब दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन कंपाउंड, मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम आईपीएसी नेम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। इसके कुछ रूल्स है तो हम देखने वाले कि आईपीएसी नॉमिनक्लेचर में कैसे नेमिंग किया जाता है, राइट। तो इसमें बेसिकली थ्री वेज है, या मतलब इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है कि नेमिंग सिस्टम कैसे आईपीएसी, बराबर है। तो सबसे पहला बेटा एक प्रीफिक्स, राइट, दूसरा पेरेंट्स, और तीसरा है सफिक्स, नहीं क्या, बराबर है। तो पेरेंट्स मतलब अब किसी भी कंपाउंड का आपको नाम देना है तो वो कंपाउंड उसका पेरेंट अल्केन पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब किसी भी कंपाउंड को आईपीसी सिस्टम में आपको नाम देना है तो पेरेंट मतलब उसका जो पेरेंट कंपाउंड है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट कंपाउंड कैसे पता करोगे आप, कि बाय काउंटिंग द कार्बन एटम, मतलब चलो चार कार्बन एटम है तो चार कार्बन एटम के पेरेंट अल्केन कौन सा रहेगा, ब्यूटेन रहेगा। तीन कार्बन एटम रहेगा तो उसका पेरेंट अल्केन कौन सा रहेगा, प्रोपेन रहेगा, है कि नहीं, मतलब ये पेरेंट अल्केन। अब उसके मतलब पेरेंट अल्केन के पहले क्या लगाना है ना, जो पहले उस अल्केन को लेके उसके पहले हम क्या लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और उसके आगे क्या लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सफिक्स बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से ये मतलब है ना, ये तीनों मिला के हम क्या करते हैं, आईपीसी नॉमेनक्लेचर बनाते हैं। अब इसको डिटेल्स में एग्जाम्पल दे के हम स्टडी करेंगे एक्चुअली की आईपीएससी में एक्चुअली क्या रूल्स है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, बराबर है, समझ में आया आपको ये, मतलब ये जो सिस्टम है ये सिस्टम में नेम देने के लिए आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्या रूल्स है वो हम हर एक कंपाउंड में देखेंगे, जैसे और पेरेंट अल्केन पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाँ तो समझो अभी ये अल्केन है, राइट, फिर अल्किन है, उसके बाद अल्काइन है, ओके। तो ये बराबर है, अब कोई भी इसमें कोई भी अल्केन समझो एक आध कार्बन कंपाउंड है उसको नाम देना है, बराबर है, तो उसमें पेरेंट अल्केन पता होना बहुत जरूरी है, मतलब पेरेंट अल्केन कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प रेफरेंस ऑफ द कार्बन। समझो कोई कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अल्किन लेते हैं ना, ये अल्किन या अल्काइन का कोई भी कंपाउंड लेते हैं, समझो फॉर एग्जांपल मैंने लिया इथिन, सॉरी हाँ चलो ये कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, चलो इसको ये कंडेंसेड फॉर्म में हो गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, राइट, ओके। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड है तो एक्चुअली कितने कार्बन है, सबसे पहले दो कार्बन है, तो इसका आईपीसी नेम देखो कैसे किया जाता है, दो कार्बन है दो, मतलब इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, इथिलीन, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथिलीन, क्या है इसका कॉमन नेम, इथिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। अब इसको आईपीसी नेम कैसे दिया जाता है, क्या आईपीसी नेम देने के लिए सबसे पहले दो कार्बन है ना, कितने कार्बन है, दो, तो पेरेंट अल्किन क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए इथेन, पेरेंट अल्किन क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए इथेन। अब इसको क्या करना है कि इसमें अब दो कार्बन है इसलिए पेरेंट अल्किन इथेन हो जाएगा, तो एक्चुअली क्या किया जाता है आईपीसी सिस्टम में कि जो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसको पेरेंट को सफिक्स एएनई के अलावा क्या लगाया जाता है, ईएनई,
बराबर। अब ये हो गया इथिन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, इथिन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इथिलीन। समझ में आया? मतलब डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड रहता है तो ए एन ई इज रिप्लेस बाय द ई एन ई, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वाई एन ई इज रिप्लेस बाय द सॉरी ए एन ई इज रिप्लेस बाय द वाई एन ई, है कि नहीं? तो वो आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर देते समय हम ऐसा करते, बराबर है कि नहीं? तो कार्बन से आपको पैरेंट एल्केन पता चल जाएगा और डबल बॉन्ड से वो ई एन ई लगाना है ये पता चल गया। मतलब हमने ए एन ई निकाल के उसमें क्या सफिक्स, उस पैरेंट एल्केन को क्या सफिक्स ऐड कर दिया बेटा, ई एन ई, है कि नहीं? अब देखो बेटा, ये हो गया बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। अब कुछ वो मैक्सिमम कंपाउंड कैसे है कि जिनको फंक्शनल ग्रुप है ना, ऐसे कंपाउंड। अब एक्चुअली हमें नॉमेनक्लेचर देखना है कि कौन से कंपाउंड का देखना है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हुए कार्बन कंपाउंड को कैसे हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक बात बता देता हूँ, बाद में फिर रूल बता देता हूँ कि एक्चुअली जो पैरेंट एल्केन है ना, बराबर है कि नहीं? तो एक्चुअली पैरेंट एल्केन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इथेन, कार्बन काउंट करके जो पैरेंट एल्केन आता है तो उसमें का जो ई है ना वो रिप्लेस किया जाता है किससे, फंक्शनल ग्रुप के कंडेंस फॉर्म से, नहीं क्या? मतलब ये जो ई है कभी ओएल से रिप्लेस किया जाता है, कभी ओआईसी से रिप्लेस किया जाता है, कभी एएल से रिप्लेस किया जाता है, कभी ओएनई। अब ये मैंने ओएल ओआईसी एएल ओएनई, ये क्या है बेटा, कंडेंस फॉर्म है किसके, फंक्शनल ग्रुप के। जैसे ओएल अल्कोहल का है, ओआईसी एसिड का है, एएल अल्डिहाइड का है, ओएनई कीटोन का है ना, अमाइन ये है ना, ये अमाइन है, अमाइन का भी, अमाइन का, बराबर है क्या? उसके बाद मतलब आईयूपीएसी ने नॉमेनक्लेचर देते समय कि जो पैरेंट एल्किन है उसका ई किससे रिप्लेस किया जाता है बेटा, ये मतलब कंडेंस फॉर्म में रहने वाले फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस कंपाउंड को जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप का जो भी नाम है, समझो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको क्या सफिक्स लगाया जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस ई, ओएल, है ना, बराबर है कि नहीं? एक्सेप्ट हैलोजन, सिर्फ हैलोजन को छोड़ के, बराबर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बाकी सभी, लेकिन हैलोजन को छोड़ के, हैलोजन को छोड़ के। तो हैलोजन जो है ना, ये हैलोजन सफिक्स, मतलब ये सफिक्स करके नहीं लगाया जाता, ये प्रीफिक्स करके लगाया जाता है ना, ये सभी सफिक्स करके लगाया जाता है। हमने देखा है कि पेरेंट्स सफिक्स, उसके पहले जो है वो है प्रीफिक्स। तो एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप के कंडेंस फॉर्म ई के जगह पे सभी एज अ सफिक्स करके लगाए जाते हैं, मतलब पेरेंट के बाद लगाए जाते हैं। लेकिन हैलोजन में एक एक्सेप्शन केस है कि हैलोजन में ये जो फंक्शनल ग्रुप का कंडेंस फॉर्म है वो एज अ प्रीफिक्स करके लगाया जाता है, मतलब उस कंपाउंड के पहले लगाया जाता है। जैसे कि जैसे क्लोरीन का है ना, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन है ना, क्लोरीन का कंडेंस फॉर्म क्लोरो है ना, ब्रोमीन का ब्रोमो है ना, आयोडीन का आयोडो, बराबर है। तो किसी भी कंपाउंड में कैसे लिखते हैं वो आईयूपीएसी नेम, समझो है ना, समझो ये CH3Cl है ना, इसका नाम, ये इसका नाम मिथिल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या है बेटा इसका, मिथिल क्लोराइड, राइट। अब इसका आईयूपीएसी कैसे, क्लोरीन है इसलिए क्लोरोमीथेन, क्या नाम हो गया, क्लोरोमीथेन। ये देखो पैरेंट एल्केन एक कार्बन है, मतलब ये मीथेन आ गया, नहीं क्या? और क्लोरो, क्लोरो हमने उधर लगाया क्या, नहीं। मतलब हैलोजन में क्या किया जाता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कंडेंस फॉर्म है वो एज अ प्रीफिक्स करके लगाया जाता है, मतलब पैरेंट एल्केन के पहले लगाया जाते हैं। जैसे कि क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है कि नहीं, आयोडोमीथेन है, राइट। तो ये मतलब ये एक प्रोसीजर हो गई, ये एक रूल्स हो गया कि सफिक्स और प्रीफिक्स और पैरेंट है ना, मतलब ई के जगह पे कैसे हम कंडेंस फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप के नाम लगाते हैं है ना, वो एज अ सफिक्स करके लगाते हैं। हैलोजन का एक्सेप्शन है, वो कहाँ पे लगाते हैं बेटा, एज अ प्रीफिक्स करके लगाते हैं, जैसे कि क्लोरोमीथेन है ना, ब्रोमोमीथेन, लाइक दैट। ओके, अब वन बाय वन हम फंक्शनल ग्रुप वाले कुछ एग्जांपल लेके हम और भी डिटेल तरीके से, चलो ये तो मतलब ये कॉमन रूल्स हो गया, कॉमन सूचनाएं होगी, लेकिन इसमें भी एक प्रोसेस अडॉप्ट कर दिए आईयूपीएसी में, तो कुछ रूल्स है वो डिटेल्स में हम अभी देखने वाले हैं, कोई एग्जांपल लेके, राइट। तो सबसे पहले हम ये जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले
राइट। तो कॉमन नेम सिस्टम का हो गया, तो चलो मैं यहाँ पे IUPAC बता देता हूँ आपको। हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है, ये ऊपर लिखते हो थोड़ा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके IUPAC बोल सकते हो, राइट। तो हम चलो नॉमेनक्लेचर, ओके IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का देखते हैं बेटा। IUPAC नॉमेनक्लेचर एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ कि कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले हम अल्कोहल को, अल्कोहल आपको पता है जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, डैश OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आप सभी को पता है डैश OH, है कि नहीं। चलो कैसे नाम देते हैं, पहला मेंबर जैसे कि एक्चुअली ये अल्कोहल कैसे बनता है आपको पता है, मतलब कोई भी पैरेंट अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या होता है ऐड हो जाता है, और वो फिर वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या होता है फॉर्म होता है। जैसे कि पहला मेंबर अल्कोहल का कैसे बना, ये मीथेन है ना, इसमें क्या एक हाइड्रोजन क्या हुआ होगा रिप्लेस हुआ होगा, इंस्टेड ऑफ दिस वन हाइड्रोजन क्या ऐड हुआ होगा OH, तो ये क्या बन गया बेटा एक CH3OH है ना, ये पहला अल्कोहल बन गया, नहीं क्या। दूसरा अल्कोहल भी ऐसे ही बना होगा C6 है, सेम वे से वन हाइड्रोजन माइनस वन OH, फिर क्या हो गया C2H5OH, बराबर है कि नहीं। कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं हम, मिथिल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो गया मिथिल अल्कोहल, राइट बराबर है। मिथिल मतलब ये CH3 ग्रुप, ये भी पढ़ा है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होता है तो AN इज रिप्लेस बाय द YL, मतलब मीथेन का क्या हो गया मिथिल है ना, और ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, कॉमन नेम देते समय बेटा सिंपल वे, ये मिथिल अल्कोहल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, इसमें पैरेंट अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इथेन का क्या बन गया इथिल, और इथिल अल्कोहल है ना, इसका नाम कॉमन नेम ये क्या है इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल राइट। ये कॉमन नेम, दीज आर द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसी अल्कोहल के कंपाउंड को हमें क्या देना है IUPAC नेम देना है। तो कैसे देंगे IUPAC नेम, तो उसका देखो एक रूल फॉलो करना पड़ेगा हमें IUPAC नेम देते समय। चलो मैं यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि उसका उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करना बहुत जरूरी है। चलो पहला स्ट्रक्चर देते हम इथेन को, इथिल अल्कोहल को हम IUPAC नेम कैसे देंगे, उसका CH3 ये कंडेंस फार्मूला है। चलो इसका पहले सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, कितने दो कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम, 5 हाइड्रोजन एटम, और ये यहाँ पे मैं OH ग्रुप का क्या करता हूँ अटैच करता हूँ। अब इसका चलो इसका कॉमन नेम आपको पता है इथिल अल्कोहल, अब इसको क्या करना है बेटा IUPAC नेम देना है। तो IUPAC नेम देते समय इट इज़ वेरी वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गिव द IUPAC नेम ऑफ द पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड, ओके। तो देखो इसका IUPAC नॉमिन के लेक्चर करने के लिए देखो कुछ रूल्स है, वो आपको क्या करने पड़ेंगे ओबे करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा है ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर है ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ओके। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि उस स्ट्रक्चर को देख के सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर में, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल क्या है हमारा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट क्यों बोला है ने? मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे रहते कि उसमें एक दो या तीन चेन भी रह सकती है ना, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है उसमें है ना। सबसे पहले तो हम वो नहीं देखने वाले, फिर भी रूल्स क्या रहेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, बराबर। जैसे कुछ एक हाथ स्ट्रक्चर ऐसे है ना, बराबर, और ये एक चेन है समझो, तो यहाँ पे दो चेन है, एक ये एक चेन है और दूसरी ये एक चेन है कि नहीं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब आपको दिखेगा तो इस वक्त आपको क्या करना है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, क्या करना है लॉन्गेस्ट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब कैसे, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे पहचानोगे कि एक दो तीन और इसमें एक दो, मतलब कौन सी चेन सिलेक्ट होंगी आपकी, ये लॉन्गेस्ट है ना, इसलिए मैंने रूल में लॉन्गेस्ट बोला है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अब ये पैटर्न इस ये जो अपने एग्जांपल लिया इसमें ये लागू होता है क्या, नहीं देखें, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन चेन है, ये दिस इज द कार्बन चेन, ओके दिस इज द कार्बन चेन यहाँ पे भी है, ओके तो ये की चेन है, तो ये हमने सिलेक्ट किए लॉन्गेस्ट चेन, राइट। दो कितने कार्बन है ना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन है, दो कार्बन इस चेन में, बराबर है। अब दूसरा रूल है,
दूसरा रूल क्या है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप. तीसरा आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप. आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप या आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. क्या बेटा? पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. क्या आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई करना है. बराबर है. तो फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन यहाँ पे. उसके बाद नाउ गिव द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड. गिव्स द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप. बराबर है. फंक्शनल ग्रुप. ओके. क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सी साइड में है वो पोजीशन आइडेंटिफाई करना है. पर अबे हम यहाँ पे नंबरिंग करना है. और नंबरिंग कहाँ से करना है बेटा? कि यूज द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप. मतलब जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है, नियर है, वहाँ से आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है. अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है ना, तो कहाँ से? इस कार्बन एटम से नंबरिंग करेंगे या इस कार्बन एटम से? इस रूल के हिसाब से कौन पास फंक्शनल ग्रुप, किस कौन सा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के पास है, नियर है, ये है या ये है? ये है. बराबर है. ये है क्या? नहीं. बराबर है. ये दो स्टेप पे है, ये वन स्टेप पे. तो कहाँ से नंबरिंग होगा हमारा? ये यहाँ से नंबरिंग होगा है ना. इसको वन नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से. ये होगा बेटा आपका नंबर वन, राइट. और इसको क्या? नंबर टू. दो ही कार्बन इसते, नंबर वन एंड नंबर टू आ गया. ये हो गया नंबरिंग. बराबर है. अब क्या करना है? चलो हमने नंबरिंग दिया. नंबरिंग कहाँ से दिया? कि जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप नियर है उस एंड से. अभी क्या करना है? नाउ काउंट द कार्बन एटम. अब क्या करना है बेटा? काउंट द कार्बन एटम. अब कार्बन एटम ऑलरेडी नंबरिंग करने से आपको आपने काउंट किए. काउंट द व्हाट? चेन में जितने, काउंट द कार्बन एटम. चेन में जितने कार्बन एटम है वो क्या करना है? कार्बन एटम काउंट करना है. काउंट द कार्बन एटम एंड फ्रॉम दैट कार्बन एटम आइडेंटिफाई द पैरेंट अल्केन. देन विद द हेल्प ऑफ कार्बन एटम आइडेंटिफाई द पैरेंट अल्केन. क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? पैरेंट अल्केन. क्या आइडेंटिफाई करना है? पैरेंट अल्केन. किसके मदद से? कार्बन के मदद से. कैसे? चलो देखते हैं. किसने कार्बन है? दो कार्बन है. कितने कार्बन है? दो कार्बन. अब दो कार्बन है मतलब रूट वर्ड इथो हो गया और उसका पैरेंट अल्केन क्या हो गया बेटा? इथेन. चलो क्या हो गया पैरेंट अल्केन उसका? इथेन हो गया. कैसे पता चला पैरेंट अल्केन इथेन है करके? क्योंकि कार्बन दो है, दो कार्बन रहे तो रूट वर्ड इथ और सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये नहीं, मतलब पैरेंट अल्केन बना रहे, तो पैरेंट अल्केन क्या बन गया इसका? इथेन. समझ में आया बेटा? पैरेंट अल्केन क्या बन गया? इथेन. बराबर है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने देखा है, आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आप आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप. अब फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी हमने लिखा है वहाँ पे. नाउ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई द फंक्शनल. पोजीशन हमने फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफाई किए. अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई करना है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? अल्कोहल. कौन सा है बेटा? अल्कोहल. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? अल्कोहल. तो क्या करना है कि ऑलरेडी बताया कि पैरेंट अल्केन का जो इथेन है, पैरेंट अल्केन का जो ई है ना, मतलब उसके जगह पे हमें जो सफिक्स ऐड करना है वो क्या ऐड करना है? तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप का कंडेंस नेम है ना. अल्कोहल का कंडेंस नेम क्या हो गया? ओएल. हाँ, तो ये ओएल एज अ सफिक्स करके किसके जगह पे ऐड करना है आईयूपीएसी नाम देते समय? ई के जगह पे ऐड करना है. बराबर है. तो क्या बन गया ये? ई के जगह पे हम इसको ऐड करते तो ये बन गया बेटा व्हाट? इथेन. चलो ये लिखेंगे क्या? नहीं, इथेनॉल. मतलब इसका आईयूपीएसी नेम क्या बन गया? इथेनॉल. क्या बन गया बेटा इसका आईयूपीएसी नेम? इथेनॉल. ओके, ये बन गया इथेनॉल. अब ये जो नेम है हम आईपीसी सिस्टम में नंबरिंग करके भी देते हैं, मतलब एज अ नंबरिंग करके हम ये आईपीसी नेम इसको दे सकते हैं. तो कैसे करेंगे हम?
बराबर है, तो एज अ नंबरिंग करके इसको आईपीसी नेम कैसे देंगे। चलो ये इथेनॉल हो गया, बन गया आईपीसी नेम, ये भी लिखा तो भी चलेगा। लेकिन अब नए सिस्टम में ऐसे बोला गया है कि चलो ठीक है, दूसरा मतलब इथेन किससे रिप्लेस करना है हमें, ये इज रिप्लेस बाय द ओएल, तो मैंने चलो इथेन ठीक है। लेकिन अब ये जो ओएल किसका किसका कंडेंस नेम है, फंक्शनल ग्रुप ओएच का, तो ये ओएच ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन एटम को अटैच है ना, वन नंबर के कार्बन एटम को ओएच ग्रुप क्या बेटा अटैच है। तो नाम दे समय इथेन ई निकाल दिया हमने, डैश वन डैश ई के जगह पे ओएल, इथेन वन ऑल, बराबर है इथेन वन ऑल, ये बन गया इसका एक्चुअल आईपीएसी नेम। इथेनॉल भी चलेगा लेकिन नंबरिंग के हिसाब से आईपीएसी नेम क्या आ जाएगा इसका, इथेन वन ऑल। चलो वन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों लिखा वन, वन इसलिए लिखा क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन से नंबर के कार्बन एटम को अटैच है, वन नंबर के चेन में के वन नंबर के कार्बन एटम को अटैच है ना। ई को हमने ओएल सफिक से बराबर है अटैच कर दिया, ये बन गया आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आया क्या, क्या क्या ट्रिक्स है, क्या क्या रूल्स है उसके हिसाब से, इस तरह से सभी अल्कोहल के आईपीसी नेम आप क्या कर सकते हो बेटा, लिख सकते हो। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा ये। ओके सेम रूल्स हमें ओबे करना है। दूसरा नेक्स्ट अल्कोहल देखते हैं हम, बराबर है रूल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट अल्कोहल चलो CH3CH, यहाँ पे OH लगा लेता हूँ है ना, चलो तीन कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, सेवन है। एक्चुअली C3H8 ये इसका पेरेंट एल्केन का फार्मूला है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम हो गया, मतलब प्रोपेन तीन कार्बन, प्रोपेन का क्या बन गया, प्रोपील, और OH फंक्शनल ग्रुप है मतलब प्रोपील अल्कोहल, ये क्या हो गया उसका कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम हमें देना है, तो सेम रूल्स यू हैव टू ओबे। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, किया स्ट्रक्चर ड्रॉ, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कितनी चेन है कार्बन की, एक ही चेन है, चलो चेन सिलेक्ट की हमने, एक ही चेन है इसलिए एक ही चेन सिलेक्ट की। नाउ तीसरा रूल क्या है, आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कौन से पोजिशन पे फंक्शनल ग्रुप है, इस पोजिशन पे फंक्शनल ग्रुप है ना, अब उस पोजिशन पे फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद क्या करना है, यूज द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। अब ये एक एंड हो गया और ए एक एंड हो गया, अब कौन से एंड पे फंक्शनल ग्रुप है, इस एंड पे, तो जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा नियर है, उस एंड से हमें क्या करना है, नंबरिंग देना है। तो कहाँ से आ जाएगा तुम्हारा नंबरिंग, यहाँ से, ये क्योंकि इस एंड से ये नियर है, 1 2 3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा नंबरिंग, यहाँ तक आ गए नंबरिंग हो गया। उसके बाद कार्बन काउंट द कार्बन एटम, कितने कार्बन है चेन में, कितने हैं दिख रहे हैं ना, देख के पता चल जाता है कितने, तीन है, चलो तीन कार्बन एटम है। उसके बाद तीन कार्बन एटम के लिए पेरेंट एल्केन क्या बनता है तुम्हारा, हाँ चलो तीन कार्बन एटम के लिए पेरेंट एल्केन क्या बनता है बेटा, प्रोपेन, क्या बन गया, प्रोपेन। अब क्या करना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहलिक, और उसका कंडेंस स्टेट में नाम क्या आता है, ओएल, उसका कंडेंस स्टेट में नाम क्या आता है, ओएल, आयदान में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, कंडेंस स्टेट में क्या आता है, ओएल, बराबर है। अब क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ दिस ई यू हैव टू रिप्लेस दिस ई विद द ओएल, बराबर है, क्या बन गया फिर आपका नेम, प्रोपे ई के जगह पे ओएल, प्रोपेनॉल, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। चलो नंबरिंग के पैटर्न में क्या बनेगा इसका नेम, नंबरिंग के पैटर्न में क्या बनेगा इसका नेम, क्या बनेगा चलो बताओ, क्या बताओ बताओ, प्रोपेन, चलो डैश देने की, राइट, क्या देने की, डैश ई निकाल डाला, कौन से नंबर पे तुम्हारा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वन नंबर पे है ना, वन नंबर पे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, और ई के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, ओएल, क्यों, और रिप्लेस ओएल से ई को क्यों ओएल से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, और उसका कंडेंस नेम ओएल, तो ये बन गया प्रोपेन वन ऑल, ये क्या बन गया बेटा तुम्हारा स्ट्रक्चर, प्रोपेन वन ऑल। समझ में आया आपको, ये आईपीसी नेम, इसका आईपीसी नेम बन गया, ये भी आईपीसी नेम, ये भी, ये बेटा रिसेंटली प्रोसेस आई है कि ऐसे डैश बीच में नंबरिंग करके प्रोपेन वन ऑल, लेकिन जब हम
जब जब हम पढ़ते थे, मतलब हमारे वक्त कैसे किया जाता था, ये जो वन है ना, कहाँ पे लिखा जाता था, डायरेक्ट वन प्रोपेनॉल, मतलब हमारे वक्त नाम ऐसे दे जाते वन प्रोपेनॉल। अब रिसेंटली आपकी किताब में प्रोपेन वन ऑल, ये नया तरीका आप क्या है नॉमिनक्लेचर का है, ठीक है। तो आपको इस तरह इस पैटर्न को आपको क्या करना है, फन हमारे वक्त कैसे था कि वन प्रोपेनॉल, एक नंबर की इसलिए तो वन आगे लिखो, इस तरह इस तरीके से हम लिखते थे, अभी ऐसे आया है। अब यही स्ट्रक्चर समझो, इसी स्ट्रक्चर, ये एक बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर को हमें, चलो एक यहाँ पे कैसे करते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल्स आपने ऑलरेडी देख लिए। अब ये सेम स्ट्रक्चर प्रोपेन का, देखो कोई क्या दिक्कत आती है कि फंक्शनल ग्रुप चलो यहाँ पे अटैच है, समझो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे वो अटैच हो सकते हैं। तो ऐसे वो क्या करेंगे, देखो सम्पोज फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सेम अल्केन है नहीं क्या, प्रोपेनॉल। क्या डिफरेंस है कि सिर्फ OH ग्रुप इस यहाँ पे था, इसमें अब यहाँ पे था, अब यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे। अब चलो रूल्स, सेम रूल्स, सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्या ड्रॉ, उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, एक ही चेन है सिलेक्ट की है, बराबर की है। नाउ आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन, यहाँ पे, हाँ। अब ऐसे केस में कैसे, अब क्या बोले, गिव्स द, क्या रूल है हमारा, गिव्स नंबरिंग देना है, कार्बन को क्या करना है, नंबरिंग देना है, गिव्स द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। अब ये एक एंड है और ये एक एंड है, तो कहाँ से नंबरिंग होगा आपका, बराबर के लिए। तो नंबरिंग देने के लिए हम क्या स्केल से इसका मेजरमेंट लेंगे, क्या कौन किसने कौन सा एंड इसके पास है ना, ओ एच यहाँ पे, यहाँ से कौन करीब है, ये है या ये है, तो स्केल के मेजरमेंट से करते हैं क्या, हम स्केल के मेजरमेंट से करते हैं का नहीं, तो किसके मेजरमेंट से करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम देखते हैं कि ये OH ग्रुप यहाँ पे भी एक दो और यहाँ पे भी एक और दो, मतलब दोनों पोजीशन से वो क्या है बेटा, इक्विडिस्टेंस है ना। तो ऐसे केस में हम नंबरिंग कौन से एंड से देंगे, हम दोनों भी एंड से नंबरिंग दे सकते हैं, बराबर है, बिकॉज इट इज ऑफ इक्विडिस्टेंस। समझो ये दूसरा एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, समझो ऐसे ये और ये कार्बन यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की हमने, नहीं क्या, तो इस केस में आपको बोला जाता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन और फिर गिव्स द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, ये OH ग्रुप यहाँ पे होता है, तो कहाँ से नंबरिंग करते आप, कि ये एक एंड हो गया और ये एक एंड, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है उस एंड से आपको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग। तो यहाँ से ये OH ग्रुप एक दो पोजिशन पे, यहाँ पे एक दो तीन, तो कहाँ से नंबरिंग आती है आपकी इस केस में, ये एंड इस एंड के कंपेयर, यहाँ पे तीन कार्बन आते हैं और ये दो ही कार्बन एटम पे आते हैं, तो नंबरिंग तुम्हारा कहाँ से होगा, नियरेस्ट एंड से, 1 2 3 4 लाइक दैट, ओके। तो ये मतलब ये नियरेस्ट है इसलिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है बेटा कि दोनों इक्विडिस्टेंस पे है, तो ऐसे केस में दोनों साइड से नंबरिंग किया जाता है, 1 2 3 है ना, इससे यहाँ से भी नंबरिंग किया जाएगा और मतलब कर दोनों साइड से कर सकते हैं, सेम ही तुम्हारे है ना नाम क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, बराबर, और यहाँ से भी कर सकते, चलो यहाँ से की इस एंड से की तो ये 1 2 3 हो गया, इस एंड से की तो ये 1 2 3 हो गया, मतलब सेकंड नंबर सेम आता है ना, नंबरिंग दोनों तरीके से दोनों एंड से हम कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। चलो ये हो गया बेटा नंबरिंग, अब क्या करना है, कार्बन एटम काउंट करना है, तीन कार्बन एटम है इसलिए हाँ, कितने पैरेंट एल्केन क्या हो गया तुम्हारा, प्रोपेन, बराबर है, पैरेंट एल्केन क्या बन गया, प्रोपेन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, बराबर है, इसलिए ई किससे रिप्लेस होगा तुम्हारा, OL से, नहीं क्या, लेकिन उससे पहले प्रोपेन क्या नाम बनेगा, प्रोपेन डैश, बराबर है। अब डैश के बाद कौन से नंबर पे OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है बेटा, दो नंबर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और फंक्शनल ग्रुप OL, ई के जगह पे OL, ये होगा प्रोपेन 2-ऑल, एक ही कंपाउंड है ना, प्रोपिल अल्कोहल है, ये भी प्रोपिल अल्कोहल है, कॉमन नेम ये भी प्रोपिल अल्कोहल है कि नहीं, इसका भी पैरेंट प्रोपेन ही, इसका भी पैरेंट प्रोपेन है, लेकिन इसका प्रोपेन IUPAC में इसका प्रोपेन 2-ऑल आ गया और इसका IUPAC में प्रोपेन 1-ऑल आ गया, मतलब ये किस पे डिपेंड है बेटा, पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पे भी IUPAC नेम क्या है बेटा, डिपेंड है, बराबर एक नहीं। इस तरह से आप हर एक, मतलब हमने अल्कोहल का देखा है, हर एक अल्कोहल के आप क्या दे सकते हो बेटा, नाम दे
देख सकती हो, है कि नहीं। मतलब जो भी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उसके हम क्या देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं या IUPAC नेम उनको दे सकते हैं बाय ओबेइंग दिस रूल्स, है ना। ये रूल्स फॉलो करके आपको उनको IUPAC नेम हम दे सकते हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि हमेशा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए IUPAC नेम पे क्वेश्चन रहता ही है, बराबर है कि नहीं, समझ में आया। मतलब 101% ये क्वेश्चन पूछती है एग्जाम के लिए। आप देख लो इसी कोई भी पेपर आप देख लो बोर्ड के, ये क्वेश्चन रहता ही है IUPAC नॉमिनेचर का। इसलिए ये बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, समझ में आया बेटा। ये अल्कोहल का नॉमिनेचर दिया, सेम मतलब सेम वे से हम जो रेस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड है, एसिड्स है ना, उसके बाद अल्डिहाइड्स है, कीटोन है कि नहीं, बराबर है, अमाइन है ना, ये इथर है, इस्टर है, इनके भी IUPAC हैलोजन्स है ना, इनके भी IUPAC नेम हम दे सकते हैं। जैसे एसिड में -COOH नाम का फंक्शनल ग्रुप है ना, बराबर है। अल्कोहल एल्डिहाइड में CHO है ना। तो एसिड में बेटा ये जो ई है किससे रिप्लेस होता है, OIC से, और हम क्या लगाते हैं एसिड, एसिड में है कि नहीं, ई रिप्लेस होता है सफिक्स। अल्डिहाइड में AL क्या लगाते हैं सफिक्स हम, AL। हमेशा अल्कोहल और अल्डिहाइड में कन्फ्यूजन होता है, OL यहाँ पे, OL यहाँ पे, AL है ना। अल्डिहाइड में कीटोन में ONE लगाते हैं, अमाइन में अमाइन लगाते हैं, है कि नहीं, इथेना अमाइन, प्रोपेना अमाइन। तो इस तरह से हम ये इसी प्रोसेस से सभी कार्बोक्सिलिक एसिड या सभी जो कार्बन कंपाउंड है उनके IUPAC नाम हम दे सकते हैं, बराबर है। आपके लिए होमवर्क है कि आप ये जो भी जितने भी, मतलब ये हमने 2 अल्किन लिए है ना, तो जितने भी सॉरी 2 अल्कोहल लिए है, बाकी के अल्कोहल का भी आप इस तरह से IUPAC नॉमिनक्लेचर आप दो। इसके बाद कुछ कंपाउंड है जैसे एसिड का वगैरह हम नेक्स्ट पीरियड में वगैरह नॉमिनक्लेचर में शॉर्टली आपको समझा दूंगा कि कैसे IUPAC नेम दिया जाता है। एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल लेके भी एसिड या कीटोन अल्कोहल, कीटोन बन है तुम्हारा एसिड्स है, बराबर है, उसके बाद अल्डिहाइड है ना, अमाइन है, इनके एक एक एग्जाम्पल लेके हम नेक्स्ट वीडियो में कि उनको IUPAC नेम कैसे दिया जाता है हम वो एक शॉर्टली बता देंगे, या आप भी इस प्रोसेस फॉलो कर से वो बना सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर सिस्टम। पहली जो है वो कॉमन नेम सिस्टम क्या है, दूसरी जो है IUPAC सिस्टम है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।